सो हेलो एवरीवन गाइस गाइस, सबसे पहले यार केमिस्ट्री का जो भी 12th स्टैंडर्ड का सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो चैप्टर का मैंने पहले ही इम्पोर्टेंट सेशन बना लिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का बना लिया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, जाके फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को ज्वाइन करना है और पीडीएफ फाइल अचीव करना है। साथ ही स्टूडेंट्स, हम 15,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो फटाफट से चैनल को नीचे सब्सक्राइब भी करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सॉलिड स्टेट का पूरा हो गया था, अभी हम जो आज नया टॉपिक देखने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 2, दैट इज सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। देखो, मार्च 2008 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। देखो, ये 2008 2006 से लेके तो पूरा के पूरा 2021 22 तक, सॉरी मार्च 2022 तक जो इस साल के पेपर हुए थे, सभी के सभी क्वेश्चंस है इसमें। तो स्टूडेंट्स, अमोंग द फॉलोइंग इक्विमोलर एक्वियस सॉल्यूशन, कौन सा इक्विमोलर एक्वियस सॉल्यूशन है वो आपको बताना है। तो ये तो सिंपल है, सोडियम सल्फेट है। फिर सेकंड वाला द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन टू द प्योर सॉल्वेंट, जो भी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है प्योर सॉल्वेंट में तो डिक्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट में। थर्ड वाला अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शोज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये जो है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये डायरेक्ट डायरेक्ट है, कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे ऐसे 10 MCQs है। MCQs होने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस भी आपको दिए हैं कि पहला का सॉल्यूशन कैसा आया, थर्ड का कैसा आया, मतलब कि रीजंस दिए हैं किस मेथड से उन्होंने इसको सॉल्व किया है। देखो स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा इस पर्टिकुलर वीडियो को आपको आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। मुझे नहीं पता, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इधर उधर जितने भी ग्रुप्स होंगे फटाफट से जाके शेयर कर देना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको बोर्ड्स में आपको दिखने वाले हैं, 2023 में आपको बोर्ड्स में दिखने वाले हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस। तो फटाफट से ज्यादा शेयर कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आए तो सोल्युबिलिटी पे अगर हम आए, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, अक्टूबर 2015 में पूछा गया था। तो वही आपको बस लिख देना है यहाँ पे कि कंडेंसेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फिर सोल्युबिलिटी वगैरह बता देना है। व्हेन गैसेस आर डिजोल्व, जब गैसेस डिजोल्व होते हैं वाटर में तो क्या क्या चीजें होती है भैया। फिर स्टेट हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ आपको स्टेट करना है जो अक्टूबर 2013 में पूछा गया था और जुलाई 2017 में पूछा गया था। हेनरीज लॉ वापस पूछा गया था 16 में और 18 में। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, स्टूडेंट्स कोलिगेटिव सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो था ना, ये पहले इंक्लूडेड था, ठीक है ना। अभी के टाइम पे आपको बस सॉल्यूशन ये टॉपिक है, लेकिन दो अगर हम पहले के पैटर्न में देखें तो सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नाम का चैप्टर था, ठीक है। तो इसके वजह से 2008 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे डेफिनेशन पूछा गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वेपर प्रेशर तो यार मतलब अभी क्या ही बोलूं, सिंपल सा है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर पे बस एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, मार्च 13 में पूछा गया है, मार्च 17 में पूछा गया है, मतलब चार चार साल बाद पूछ रहे हैं, तो इस साल अगर हो सके तो नहीं आएगा। तो इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी आपको मालूम चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इबुलिस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, जो कि आपको केबी हम जिसको कहते हैं, ठीक है, इबुलिस्कोपिक कॉन्स्टेंट जो कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है 1 मोलाल सोल्यूशन से डिविजन करने के बाद। फिर उसके बाद हमको दिया है डिराइव द रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी चीज आप एक बार चेक कर सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट इस पे आते हैं हम, विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में उस पे क्वेश्चंस पूछा गया है, डिफाइन किया गया है, डिफाइन भी पूछा गया है 2016 में, मार्च में, जुलाई में, अक्टूबर 2014 में और जुलाई 2019 में, इन पर्टिकुलर दिनों में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप जरूर इसको एक बार नोटिस कर सकते हो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मार्च 2020 में पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। और देखो स्टूडेंट्स, ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के अंतर्गत ही आता है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लाइक करते चलो वीडियो को फटाफट से, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब भी करके रखना है। ऑस्मोसिस डिफाइन करना है, तो ये 2013 में, 2022 में, जुलाई में, 2016 में और जुलाई में ही 2019 में पूछा गया है। तो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑस्मोसिस का जो भी है डेफिनेशन पूछा गया है, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। देखो यार स्टूडेंट्स, जितना भी अभी तक अपन ने देखा है इस चैप्टर में से ज्यादा डेरिवेशन नहीं आए,
ठीक है, एक चीज दिमाग में रखना है कि सॉल्यूशन चैप्टर में से ज्यादा डेरिवेशन नहीं आते हैं। अगर आएंगे भी तो बॉइलिंग पॉइंट डेरिवेशन से आएगा, नहीं तो ऑस्मोटिक प्रेशर का आएगा, मोलर मास निकालने के लिए, जो कि ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये वाला देख लेना एक बार, ठीक है ना, दिमाग में रख के ये वाला देख लेना। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेंट ऑफ रूल, तो ठीक है, तो ये वेंट ऑफ रूल तो आता ही है। अभी हम आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, तो न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो, ठीक है। अभी पूरे के पूरे तो मैं सॉल्यूशन नहीं है, ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस है। अगर इस पे आपको सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स, हर एक चैप्टर के अगर आपको न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट वाले सॉल्व करके चाहिए, कमेंट मारो, ठीक है। एम करते हैं, देखो यार अभी जो भी वीडियोस आएंगे वो 100 लाइक्स के बाद आएंगे, तो फटाफट से लाइक कर देना है। एम करते हैं 100 लाइक्स का, फटाफट से कर देना है। सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है? सो 500 ग्राम, 500 डिग्री सेल्सियस वगैरह दिया है, ठीक है। तो आप ये न्यूमेरिकल्स वगैरह देख सकते हो, थोड़े थोड़े से लेंदी लेंदी न्यूमेरिकल्स है, राइट, तो आप ये न्यूमेरिकल्स देख सकते हो। नेक्स्ट वाला है, वही वही फॉर्मूले है, मतलब मोलार मास पे ही पूछा गया है, जो अपन ने यहाँ पे देखा था ना, मोलार मास का कहाँ पे गया, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन देखा था अपन ने, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मोलार मास, तो ये वाले इस पे ही पूछा गया है। तो जो भी न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स किस पे पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, विच इज मोलार मास पे पूछे जा रहे हैं। तो मोलार मास के जो भी न्यूमेरिकल्स है वो एकदम अच्छे से करके रखना है, ठीक है, वो एकदम अच्छे से करके रखना है। चलो नेक्स्ट, तो ये तो हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट का भी हो गया है, फिर ये वाले भी हो गए हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। विच इज यहाँ पे अभी दिया है, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मा वेट, मतलब वही मोलार मास आपको ढूंढना है, मॉलिकुलर वेट और मोलार मास एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज ढूंढना है, देखो ज्यादा बार तो क्वेश्चन वही पूछा गया है स्टूडेंट्स, जितना भी अपन अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लॉग टेबल कैसे इस्तेमाल करना है उस पर भी आपको सोल्यूशन दिया है, तो लॉग टेबल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 2017 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां पे ज्वाइन करना है। उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह, यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला है स्टूडेंट, सेम ही फॉर्मूला है भाई, मोलार मास का, तो मोलार मास का करके जाना है, न्यूमरिकल आएगा मोलार मास पे हर साल न्यूमरिकल पूछा गया है, देखो यहाँ पे भी वही है, मोलार मास का ही है, देख रहे हो मोलार मास। बस स्टूडेंट्स मोलार मास का फॉर्मूला लर्न करके रखो, ये देखो यहाँ पे विच इज पाई की वैल्यू वगैरह लर्न करके रख देना, तो वो बस चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चीजें समझ में आए हैं, आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लिए होंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, वो भी आप एक बार चेक कर लेना, तो कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है सभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो एकदम वैल्यूएबल रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, और साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक यार मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, बाय।